विधानसभा उपचुनाव के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के हरियाली ढाबे वाले एक बयान के बाद भाजपा नेताओं ने एक प्रेस वार्ता कर पलटवार किया है। दरअसल धर्मपुरी के कद्दावर नेता स्वर्गीय बाबू गांधी के बारे में कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के द्वारा सार्वजनिक मंचों से टिप्पणी करने को लेकर स्वर्गीय बाबू गांधी के बेटे शक्ति गांधी ने प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद गुड्डू जब विधायक थे तब लोगों को धमकाने का काम करते थे और आज भी वही काम कर रहे हैं। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया और हम एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। हमारे समाज में मान प्रतिष्ठा को प्रेमचंद गुड्डू द्वारा धूमिल किया जा रहा है, जिससे हम त्रस्त हो चुके हैं। आने वाले समय में हम हमारे वकील से चर्चा कर कानूनी कार्यवाही व मानहानि का दावा कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू पर लगाएंगे। प्रेस वार्ता में मौजूद सावेर के प्रकाश सोनकर मंडल अध्यक्ष सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि गुड्डू जिस तरह चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम भी उसी तरह तैयार हैं। वहीं भाजयुमो के इंदौर जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा और पूर्व मंडल अध्यक्ष सोहन पटेल ने कहा कि भाजपा के हर एक कार्यकर्ता से हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के हम सभी एक सांस्कृतिक और सौम्य पार्टी है। मैं प्रेमचंद गुड्डू जी को बोलना चाहता हूँ कि हमारे किसी भी भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को, उनको जो भाषा में जो चुनाव लड़ना है, हम उस भाषा में भी जवाब देने के लिए तैयार है। बाकी हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसी संस्कृति की पार्टी है कि ऐसे शैतानों वाली बात करना नहीं चाहती है। बाकी प्रेमचंद गुड्डू जी को मैं आपके मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि उनकी जैसी इच्छा है ऐसे चुनाव लड़ ले, हम भी तैयार हैं। आपका नाम? मैं सुमेर सिंह सोलंकी, मंडल अध्यक्ष भाजपा सावेर। जिस तरीके से हरियाली ढाबे का प्रेमचंद गुड्डू, जो 1998 में स्वर्गीय गांधी जी का तोड़ा गया था, ये प्रेमचंद गुड्डू की मानसिकता दिवालियापन उजागर करती है कि इस तरीके का दबाव हमारे कार्यकर्ताओं पे बना के, व्यापारियों पे बना के कि मैं फिर से सांवेर का विधायक बनूँगा तो इस तरीके की ये करूँगा, कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार ना करे, एक दबाव बनाया जा रहा है। पर पूरी भारतीय जनता पार्टी संगठन एक साथ में खड़ा है, बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लगाकर पूरी विधानसभा के कार्यकर्ता के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। कोई भी कार्यकर्ता को जो प्रेमचंद गुड्डू के डरावने धमकाना है, उससे हमारा संगठन परिवार सामने आ रही है कि प्रेमचंद गुड्डू की जो चक्की है बहुत बारीक किस्ती है, ये बात भी बार बार सामने आ रही है। तो क्या लगता है ये धमकियां सभी लोगों के लिए भाजपा? गंभीरता से ले रहे हैं कहने का मतलब? प्रेमचंद गुड्डू जो 2 से 3 बार बोल चुके कि मेरी चक्की बहुत बारीक पिसती है, तो किस बात का बारीक पिसती है? आप सीधे से सीधे मतदाताओं पर दबाव बनाना चाहते हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाना चाहते हैं। पर ये 2020 का युग है, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता प्रेमचंद गुड्डू की इस तरीके की डरावनी बातों से नहीं डरेगा। वो पूरे प्रण प्राण से अपने बूथ पर लगा हुआ है, फिर से तुलसीराम जी सिलावट को, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को, इस सांवेर विधानसभा की अब तक की विधानसभाओं में सबसे बड़ी जीत कराने के लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता उत्साह के साथ अपने बूथ पर कार्य कर रहा है। आपका नाम और पता? श्रवण सिंह चावड़ा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष इंदौर।